स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे YouTube चैनल कपिल तलरेजा पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक रामबाण इलाज बताने वाला हूं। अगर आपका आउटस्टैंडिंग में कहीं पे पैसा रुका हुआ है, जिसको भी आपने माल दिया हुआ है और पैसा नहीं आ रहा है, तो वो आप उससे कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों लोगों को लगता है कि आउटस्टैंडिंग में पैसा वसूली करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत हार्ड काम है। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। आपने उनको अगर माल दिया है तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ पेपर वर्क करके दिया होगा, और पैसा निकालना है अगर आपको उनसे, तो एक रामबाण इलाज यही है कि आप उनको कोई भी उपशब्द न बोलें, कोई भी चिल्ला के बात न करें, एकदम शांति से बात करें। आपके पास जब भी उनके पास जाते हैं, वो अगर आपको डेट पे डेट देते हैं, तो फ्रेंड्स आप खाली उनको इतना ही बोलिए कि आप जब तक मुझे पैसे नहीं देंगे, मैं ज़मीन पे बैठ जाऊंगा और उससे उठूंगा नहीं। फ्रेंड्स, ऐसा करने से अगर आप ज़मीन पे बैठते हैं तो जो भी उनके सामने आते हैं, चार कस्टमर आते हैं या क्या, उनको पूछेंगे दोस्तों कि भाई ये क्यों बैठा हुआ है, ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा दोस्तों कि मैं अभी क्या सामने उनको आंसर दूँ। ठीक है दोस्तों, आपको न ही चिल्लाना है, न ही किसी को स्क्रॉल करना है, बस उनको खाली इतना ही बोलना है कि मैं ज़मीन पे नीचे बैठ जाऊंगा और जब तक आप मुझे पैसा नहीं देते हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, वो काफ़ी सारे बातें बोलेगा कि मेरा चेक बुक ख़त्म हो गया है, तो आप उनको बोलिए कि मुझे कैश दे दीजिए। वो बोलेगा कैश नहीं है, तो आपको बोलना है ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, आप बिज़नेस कर लीजिए, मेरे को शाम तक पैसा दे दीजिए। कहने की बात यही है दोस्तों कि आप अपने मुद्दे से चेंज नहीं होना है, वो जो भी बोलता है उसको बोलने दें, उसकी बात फिनिश होने दें, उसके बाद वापस आपको उसी ट्रैक पे आना है कि मुझे पैसा चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने मुद्दे पे कायम रहेंगे तो हो सकता है आज आपको पैसा न मिले, लेकिन कल या परसों तक आपको ज़रूर पैसा मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आप प्लीज़ जो है तरीका आपने आजमा के देखिए और आपको 110% इस पर रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।